दोस्तों, आज मैं आपको अपना कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आया हूँ। वीडियो अपना साइट पर बनाया हूँ जहाँ मेरी वाटर प्रूफिंग का वर्क चल रहा है। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और सिखाऊंगा भी कि बाथरूम का वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाता है। कई लोगों के पास वो उतना अच्छा बजट नहीं होता है और वो किसी कंपनी से बाथरूम वगैरह या छत हो या घर के वाटर प्रूफिंग का काम नहीं करा पाते हैं, तो मैं उनके लिए वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो से वो सीख सकते हैं और ख़ुद अपने हाथों से ये काम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाल है, वाल के ऊपर ये रिनोवेशन का काम हो रहा है इस बिल्डिंग में, तो इसके ऊपर प्लास्टर वगैरह हुआ है और प्लास्टर का ये सब जो मलबा है, सीमेंट का घोल है पूरे दीवार पे, इसका लकीर बना हुआ है, ये गिरा हुआ है, तो इसको ठीक से देख लेना है और तार ब्रश आता है उसे साफ कर लेना है। टाइल्स वगैरह आप अपने बाथरूम में लगाना चाहते हैं, जैसा कि इसमें टाइल्स लगा है और टाइल के बीच में ये जो ये दरार है या इसके बीच में गैप है, इसे सीलेंट और सीपेज आपके कमरे के बगल में जाने लगता है, जिससे पूरा दीवार ख़राब हो जाती है और उससे क्या होता है कि पेंट, प्लास्टर, पुट्टी, ये सब चीज़ आपको ख़राब हो जाती है, नुकसान होने लगता है। जो ये दिक्कत आती है वाटर प्रूफिंग नहीं कराने से आती है। जब भी आप अपना बाथरूम का कंस्ट्रक्शन कराइए, पूरे बाथरूम का वाटर प्रूफिंग करा दीजिए। प्लास्टर कराने से पहले ईंट की दीवार है तो ईंट पर वाटर प्रूफिंग करा लें और अगर लिंटर की दीवार है तो उस पर करा लें। वैसे वाटर प्रूफिंग तो कॉस्टली होता है एक मिडिल परिवार के लिए, और ये काम वही लोग करा पाते हैं जो जिनके बजट अच्छा होता है, या तो शौक से घर बनाते हैं या बड़े बड़े होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, जहाँ पर पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है वहाँ पर काम किया जाता है। तो वाटर प्रूफिंग शुरू करने से पहले जो भी आपका एरिया है उसको ठीक से साफ़ कर लेना है। ये तार ब्रश आता है, इसे रगड़ रगड़ के बाथरूम का जो फ्लोर है उसको साफ़ कर लेना है, और ये जो करनी है इसे जो अनवांटेड मटेरियल गिरे होते हैं उसको मार के हटा लेना है, और ये पेंट ब्रश आता है, इस ब्रश से इसको ठीक से एक जैसे झाड़ू लगाते हैं वैसे इसको साफ़ कर लेना है। इससे साफ़ करने से ये फ़ायदा होता है कि छोटा सा छोटा भी डस्ट पार्टिकल ठीक से साफ़ हो जाता है। आपको एक और चीज़ मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जो इसमें टूल्स है, ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास एक तार ब्रश होना चाहिए, एक ग्रास ब्रश होना चाहिए, एक करनी और एक पेंट ब्रश होनी चाहिए। वाटर प्रूफिंग में ये ध्यान देने की बात होती है कि आपकी क्लीनिंग जितनी भी अच्छी होगी, वाटर प्रूफिंग उतना ही बढ़िया होता है, तो मस्ट क्लीनिंग है इसमें। क्लीनिंग बहुत बेहतरीन करें, जितना आप समय वाटर प्रूफिंग कराने में लगाते हैं उससे कहीं अधिक समय आप क्लीनिंग करने में लगाएं। वाल है तो वाल पे, यहाँ पे जो रिनोवेशन का वर्क हो रहा है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सब प्लास्टर लगे हैं, इसके ऊपर ही वाटर प्रूफिंग कर दी जाएगी, ऐसे वर्क आर्डर में है यहाँ पे, तो ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं किया जाता है। जब भी वाटर प्रूफिंग कराइए आप अपने ईंट के दीवार पर कराइए, और वहाँ पर करने से पहले आप ठीक से इसको रगड़ लें। ये केमिकल है, ये पॉलीमर है, दुकान पर आपको मिल जाएगा। इसका जो रेट होता है मैं आपको बता दूं कि एक अच्छा केमिकल का जो रेट होता है 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक, 200 रुपये तक पर केजी आता है। तो इसको आप अपने एरिया के हिसाब से इसका ले सकते हैं, किसी भी आपको पेंट की दुकान पर मिल जाएगा, और वहाँ पर इसको एक बाल्टी में सीमेंट का घोल बना लें, इसको इतना देर तक मिलाएं जैसे ये एकदम ठीक से घुल जाए, और इसको डंडे से पूरे ठीक से इसको मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग करने के बाद जो भी एक आपका सीमेंट का एक छोटा सा सूखा टुकड़ा भी इसमें नहीं बचना चाहिए। इसको करीब करीब 15 से 20 मिनट तक, ये 20 लीटर की बाल्टी का मैंने केमिकल बनाया है, तो 15 से 20 मिनट तक ऐसे इसको हिलाते रहेंगे तो एक तरफ से चमकीला घोल बन के तैयार हो जाएगा। जब ये घोल बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद ये पेंट ब्रश से ठीक से इसको पूरे फ्लोर पर लगा देना है। ध्यान रखें कि जहाँ भी ज्वाइंट हो आपका, जो ज्वाइंट बने वहाँ पे इसको और ठीक से लगाना है। छोटा सा छोटा होल या जो दीवार में पोर्स बने होते हैं उसको खाली आपको नहीं छोड़ना है। इसको आप लगा के और इसको 12 घंटे से लेके 48 घंटे या 6 घंटे या जैसा इन्वायरमेंट हो, गर्मी के दिन में तो जल्दी सूख जाता है, इसको सूखने दें। जब ये सूख जाएगा उसके बाद ऐसा ही केमिकल बना के दूसरी बार में, जो केमिकल बनेगा थोड़ा सा पतला बनेगा। पहली बार में अगर आप पतला केमिकल बनाते हैं तो दूसरी बार में थोड़ा सा मोटा केमिकल बनाइए, अगर पहली बार में मोटा बनाते हैं तो दूसरी बार में थोड़ा सा पतला बनाइए, ऐसे करके आप सेकंड कोट कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो 3 से 4 भी कोट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें इसको कोटिंग करने में, जब भी आप कोटिंग करें या तो आप पतले से मोटे की तरफ शुरुआत करें या मोटा केमिकल बना के पतले की तरफ शुरुआत करें। मैं आपको राय दूंगा कि आप पहले पतला सब केमिकल बनाइए, प्राइमर का पॉलीमर आता है उसको बिना सीमेंट का आप 1 लीटर जो पॉलीमर होता है उसमें आप 3 लीटर पानी मिला के ऐसे पूरे फर्श पर लगा दें। उसके बाद उसमें 1 लीटर केमिकल में
आप सीमेंट का एक घोल बनाएं, थोड़ा पतला बने उसको लगा दें, जब ये सूख जाए उसके बाद थोड़ा सा उसे और मोटा बनाएं उसको लगा दें। ऐसा करते करते आप 3 से 4 कोटिंग करके और इसको ठीक से सूखने दें। जब ये सूख जाएगा तो इसका कलर एक तरफ से वाइट में आ जाएगा, चमकीला सा। तो आपका पॉलीमर का ये वाटरप्रूफिंग यहाँ हो गया। ठीक वैसे ही दीवार में करना है, जो वाल है वाल को ठीक से साफ़ कर लेना है और वही केमिकल को यहाँ भी रगड़ देना है। जो मैं आपको तरीका बताया हूँ उसी तरीके से यहाँ भी काम करना है। कई लोगों के पास बजट नहीं होता है तो इतना काम करते नहीं, से वाटर प्रूफिंग हो जाती है और कई हद तक सीलन और सीपेज से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे तो वाटर प्रूफिंग जो होती है वो 7 कोटिंग होती है, जो सीमेंटेटियस ट्रीटमेंट होता है प्लस इलास्टोमेरिक ट्रीटमेंट होता है, दोनों मिलाकर 7 कोटिंग किया जाता है ग्लास फाइबर मेस के साथ लगा के। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खर्चीला पड़ जाता है, इतना आप अगर एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो जो मैं आपको तरीका बताया हूँ इस तरीका से भी आपका सीलन और सीपेज ठीक हो जाएगा। जब भी आप इस केमिकल को लगाइए पेंट ब्रश से, आप ये चीज़ ध्यान रखें कि एक छोटा सा एरिया, जैसे इस पर मैं दिखा रहा हूँ ये जो पेंट ब्रश लगा था तो साइड में छोटा सा एरिया छूट गया था, तो वैसा छूटने नहीं दें। एक 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 सुई का नोक बराबर भी एरिया छूटना नहीं चाहिए, उसको ठीक से लग जाना चाहिए पूरा केमिकल हर जगह। अगर सुई का नोक बराबर भी एरिया छूट गया तो समझिए वहाँ से पानी अंदर जाने लगेगा। पानी और हवा का कोई रोक नहीं सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर एक जगह ये छूट गया तो वहाँ से पंचर बना लेगा। वाटर प्रूफिंग में पंचर ही बनता है, जब पंचर हो जाता है वाटर प्रूफिंग तो वो वाटर प्रूफिंग जो होती है फेल हो जाती है, क्योंकि पानी को रोकना इतना आसान नहीं होता है। तो एक छोटा सा एरिया भी इसको छूटने नहीं चाहिए, पूरे ठीक से लग जाए और इसको सूखने दें। एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब दें कर दें। यहाँ पे वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड वीडियो मैं डालता हूँ। जो हमारी जो कंपनी है इसकी जो सर्विस है पूरी दिल्ली NCR इंडिया में अवेलेबल है। दिल्ली में आप कहीं से भी रहते हों, हरियाणा राजस्थान पंजाब गुजरात ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश में कंपनी की सर्विस अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ पे कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप वाटर प्रूफिंग भी कराना चाहते हैं तो वहाँ भी वाटर प्रूफिंग आप करा सकते हैं। अगर आपके जानकारी में कोई दूसरा कोई भी वाटर प्रूफिंग कराना चाहता हो तो उसको भी आप मेरा नंबर दे सकते हैं, वो कॉल करके मुझसे संपर्क कर लेंगे और वो वाटर प्रूफिंग की जानकारी ले लेंगे। तो एक छोटा सा काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे मनोबल में वृद्धि होगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जो हमारे चैनल है यहाँ पर छत की वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाता है, 7 कोटिंग वाटर प्रूफिंग कैसे होती है, एक घर के अंदर जितनी भी वाटर प्रूफिंग होती है, छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग, बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग, टैंक का वाटर प्रूफिंग, बाथरूम का वाटर प्रूफिंग, वाल का वाटर प्रूफिंग कितने टाइप से किया जाता है, इलास्टोमेरिक वाटर प्रूफिंग, पॉलीमर वाटर प्रूफिंग, सीमेंटेटियस वाटर प्रूफिंग, ये सारे ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। आप कभी भी हमारे नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपना वाटर प्रूफिंग अपने घर का करा सकते हैं। तो मैं आपको ये ट्रीटमेंट बताया हूँ।